Hello, welcome to Arvind Academy. We are discussing today some basic concept of chemistry. This is lecture number 2. I hope you have already watched part 1. And this is lecture number 2. So in this lecture, we will discuss about the composition of matter, that is different type of composition of matter, and also the category and classification of matter as well. So let me discuss about the matter. What is matter? So what is matter? Matter kya hota hai? Anything which occupy a space and having mass called matter. A simple sa ek logic hai. Aur is definition ke hisab se hum ye keh sakte hain ki jo kuch bhi is duniya mein hai, jo jagah ko gherta hai, occupy a space, aur jisme mass hai, usko hum matter keh sakte hain. Isko matter ko किसी एक सेंस ऑफ ऑर्गन, जो फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन है, सेंस कौन कौन से फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन है, साइट, टच, हियरिंग, राइट, ये तीन हो गए. साइट मतलब देखना, हियरिंग मतलब सुनना, टच मतलब छूना, और फेल्ट मतलब महसूस करना, एंड टेस्ट, टेस्ट करना मतलब उसे चखना. तो ये पांच में से कोई भी तरीके से उसे महसूस किया जा सके तो उसको हम कहते हैं क्या कि मैटर है. तो सबसे पहले मैटर के बारे में डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज मैटर. फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज मैटर. सो व्हाट इज मैटर, एनीथिंग. सो आई कैन राइट डेफिनेशन अबाउट द मैटर दैट एनीथिंग anything which occupy a space and having some mass, having mass and it felt by one or more than one sense of organ, sense, one or more than one sense. What is the sense? Sight, smell, touch, taste, and hearing. In panchon mein se kisi se bhi which can be felt by one or more than one sense, किसी से भी महसूस किया जा सके, उसे हम कहते हैं matter. So matter is anything which occupy a space and having mass and it felt by one or more than one sense is called matter. Anything. So is called matter. Felt means इसका पर्जेंस, छूने से, देखने से या टेस्ट करने से, टच करने से, स्मेल करने से, किसी न किसी की वजह से उसका पर्जेंस हमें पता चले तो हम उसे कहते हैं मैटर. अब मैटर कितने तरह के होते हैं? तो मैटर को बेसिकली फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बट फिलहाल हम ये समझते हैं कि मैटर जो होता है वो तीन तरह के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये है फिजिकल क्लासिफिकेशन. आप अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे वाटर है तो ये लिक्विड स्टेज में है, बुक है वो क्या है, सॉलिड है, और कुछ और हवा है ये क्या है, गैस है. ये भी जगह घेरता है, ये भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. तो इस तरीके से मैटर का क्लासिफिकेशन हो सकता है. ऑल दीज थिंग्स अराउंड अस, फॉर एग्जांपल हियर मैटर्स, एग्जांपल ऑफ मैटर्स आर लाइक अ बुक, लाइक अ पेन, लाइक पेंसिल, वाटर, यू नो, एयर एंड एटसेट्रा. दिस इज टेबल, chair, these all are made of matters, are made of matters. ये सारे matters से बने हुए हैं, right? तो ये सब कुछ matter से बने हुए हैं. matter
इन सब से बना मैटर से ये सारी चीजें बने हुए हैं, इसलिए इन सबको हम कह सकते हैं कि ये मैटर इनमें कहीं ना कहीं है, और कहीं लिक्विड फॉर्म में है, कहीं सॉलिड फॉर्म में है, और कहीं गैसेस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो मैटर के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। वन इज कॉल्ड फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड अनदर इज केमिकल क्लासिफिकेशन। इन फिजिकल क्लासिफिकेशन वी कैन से मैटर आर ऑफ थ्री टाइप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस इन फिजिकल क्लासिफिकेशन वी कैन से मैटर्स आर ऑफ थ्री टाइप, दैट इज कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड इन केमिकल क्लासिफिकेशन वी कैन क्लासिफाई मैटर्स आर टू टाइप, वन इज कॉल्ड मिक्सचर एंड अनदर इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप, इट कैन बी कैटेगराइज टू टाइप, मिक्सचर आर टू टाइप। वन इज होमोजेनियस, होमोजेनियस जेनियस मिक्सचर, एंड द सेकेंड इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑल्सो कैटेगराइज इन टू वेज, वन इज कॉल्ड एलिमेंट एंड अनदर इज कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड, यू नो, एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो फर्दर इट कैन बी क्लासिफाइड, फर्दर दिस कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज, वन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा। अब हम बारी बारी से इन सब के बारे में, पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि सॉलिड क्या है। सॉलिड के बारे में जो हम कहें कि सॉलिड वो होता है जिसकी क्या होती है, फिक्स्ड शेप एंड साइज होती है। फिक्स्ड शेप, साइज, वॉल्यूम, ये सब कुछ फिक्स्ड होती है, ये है सॉलिड। अब लिक्विड क्या होता है, इसकी होती है फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम बट नॉट फिक्स साइज, बट नॉट फिक्स्ड शेप। शेप कोई फिक्स नहीं होती, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन के साइज का, आकार का हो जाता है। इसी तरह से अब हम बात करें कि ये जो गैस है इसका क्या होता है, नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। शेप भी फिक्स नहीं होता और इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। जहां पे रखा जाता है उस पूरी जगह को घेर लेता है, पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे इस रूम में अगर हम एक परफ्यूम स्प्रे करें, रूम फ्रेशनर स्प्रे करें, तो पूरे रूम में फैल जाएगा। इसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, कोई फिक्स शेप नहीं होता, तो इस तरह को हम गैस कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड में बेसिकली होता क्या है, सॉलिड में कंपाउंड जो होता है वो बड़ा कंपैक्ट होता है। ये जो सॉलिड का होता है इसके बीच में, ये जो सॉलिड है इस तरह के, इसमें एक के ऊपर एक ये कंपाउंड्स इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, ये है सॉलिड। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या हो सकता है सॉलिड। लाइक इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता, इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता, ये बहुत ही कंपैक्ट होता है, और कंपैक्ट होने की वजह से इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सॉलिड होता है। और इसीलिए चूंकि ये पूरी एक दूसरे को इंटैक्ट और कॉम्पैक्ट रूप से एक दूसरे को जकड़े हुए रहता है, बांधे हुए रहता है, इसलिए इसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, और इसकी साइज भी फिक्स्ड होती है। लेकिन लिक्विड के बारे में क्या है कि इसमें इतना कंपैक्ट नहीं होता, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में
थोड़ी बहुत स्पेस होती है, ये कह सकते हैं बहुत मामूली सी, नेग्लिजेबल, इतना ज्यादा स्पेस तो नहीं होता, बट इसकी बाइंडिंग जो फोर्स होती है वो थोड़ी कमजोर होती है, वीक होती है, इसलिए ये जो है ये क्या कर सकता है, इट कैन फ्लो, इट कैन मूव, ये मूव कर सकता है। आप यहाँ पे पानी का कुछ रखें टेबल पे, क्या होगा, थोड़ा सा मूव कर जाएगा, यहाँ से वहां फैल जाएगा, ऑयल रखें वो भी फैल जाएगा, लेकिन ये जो है सॉलिड वो फैलेगा नहीं। अगर इसे हिप किया जा सकता है, कट किया जा सकता है, इसको हिप भी नहीं किया जा सकता, यानी कट नहीं किया जा सकता है। हिप करने पे ये क्या करेगा, ये फ्लो करता है, मूवेबल होता है। गैस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत वीक होती है, ना के बराबर, और इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी ज्यादा होता है। तो बारी बारी से इन सब के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड सॉलिड के बारे में क्या लिखे, इट इज ए कॉम्पैक्ट रिजिड रिजिड शेप, रिजिड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है, कंपैक्ट होता है, नो इंटर मोलिकुलर स्पेस, मोलिकुलर स्पेस, ये रिजिड होता है, कंपैक्ट होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होती है, ठीक है, फिक्स शेप एंड साइज होता है, और इसके अंदर जो होता है वो इंटर मोलिकुलर फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड का, इसलिए ये सॉलिड होता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह की होती है, लाइक ये मैंने क्या हाथ बनाया था पीछे, राइट ना, स्ट्रक्चर होती है इस तरह की होती है। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या क्या लिख सकते हैं सॉलिड के रूप में, एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिक, वुड, यू नो, वुड, स्टील एटसेट्रा, दीज आर ऑल सॉलिड। लिक्विड, द सेकेंड थिंग इज लिक्विड, सो लिक्विड इज व्हाट, ये है लिक्विड, लिक्विड इसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थोड़े से कम रिजिड होते हैं, कम कंपैक्ट होते हैं, लेस कंपैक्ट होते हैं, बट इंटर मॉलिकुलर फोर्स इसमें, स्पेस इसमें भी नहीं होता, लेस कंपैक्ट, कंपैक्ट एज कंपेयर टू सॉलिड, राइट ना, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स नो फिक्स शेप, सॉरी, नो फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स्ड होती है, 1 लीटर 1 लीटर ही होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट ना, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और इसमें इंटरमोलिकुलर, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस स्पेस, और इसमें लेस फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड, लेस का मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड, लेस इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ये मूवेबल होता है, मूवेबल, मूवेबल होता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, ऑयल एटसेट्रा, राइट। तो ये दो हो गए सॉलिड और लिक्विड। तीसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो होता है गैस। तो गैस के बारे में, गैस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना, और ये जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं इसलिए इसमें हाई स्पीड में मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के लेस बाइंडिंग फोर्स होती है, इसलिए मोर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होती है, ठीक है, एंड पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, वो तो सब में होती है बट इसमें कुछ ज्यादा होता है, पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, वो फास्ट होते हैं, फास्ट रैंडम मोशन, फास्ट रैंडम मोशन, नो फिक्स शेप,
fixed volume, no fixed shape, ये होता है, और no intermolecular force is very weak. Intermolecular force is very weak. Weak, नहीं के बराबर. Example, for example, air, right ना? Oxygen, ये सब गैस है, परफ्यूम्स एटसेट्रा, ये सब क्या है? ये गैस है. तो इस तरीके से हमने देखा कि सब्सटेंस में जो फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर सब्सटेंस को तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है, और ये तीन अलग अलग कैटेगरी में उनकी सब्सटेंस की नेचर क्या क्या होगा और क्यों होगा. हम इसमें चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक होता है, इसलिए तेजी से एक दूसरी जगह पे जाकर के मिक्स हो जाते हैं. इसमें जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को एक दूसरे में मिक्स करने की होती है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं मालूम? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूज कर जाता है, दूसरे में मिल जाता है, तो इसमें डिफ्यूजन होता रहता है. लिक्विड में जो होती है वो मिक्सिंग होती है, लिक्विड दूसरे चीज को मिक्स कर लेता है, बट बहुत सारी चीज को मिक्स नहीं भी कर पाता है. सॉलिड जो है वो मिक्स करता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करता. एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं करेगा. केमिकली कम मिक्स हो जाए, फिजिकली तो मिक्स नहीं होगा. आप ऐसा नहीं होगा कि आप स्टील में ले जा करके और आप कॉपर को मिक्स कर दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता. ब्रिक में आप ले जाकर के वुड को मिक्स कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता. तो ये मिक्स नहीं हो सकते. लिक्विड लिक्विड में मिक्स हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन गैस जो है ये जैसे ही आप छोड़ा जाए, कहीं पे भी छोड़ा जाए एटमॉस्फेयर में, ये तुरंत ही डिफ्यूज हो जाता है. एक दूसरे में मिलने की प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, राइट? दूसरा जो हमने दूसरा क्या था कि हमने केमिकल क्लासिफिकेशन किया था, और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या था? केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने बात किया था, और उसमें हमने बात किया था कि सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इसमें हमने दो बातें कही कि एक एलिमेंट होता है, और एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है मिक्सचर, कंपाउंड, सॉरी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो अब इनके बारे में जरा बात कर ले. कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट होता है, ये प्योर फॉर्म में होता है. इट इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. एलिमेंट्स आर अ प्योर टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज मेड ऑफ एलिमेंट्स आर प्योर टाइप ऑफ सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड ऑफ which is made of only one type of atoms or molecules, right? Compound are made of more than one type of compounds are made of more than one type of atoms and molecules, right? Now, so that is called what? Compound. It is chemically combined together. So, ये है हमारा क्या? कंपाउंड. अब जैसे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स के फॉर्म में कौन कौन से हैं. सोडियम है, ये एलिमेंट्स है, ठीक है? सोडियम है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है. क्लोरीन है, ये एलिमेंट्स है. ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट्स है, ठीक है? फॉस्फोरस है, ये एलिमेंट्स है. कैल्शियम है, ये एलिमेंट्स है, एटसेट्रा, ये सब एलिमेंट्स है. इसके एक तो एक तरफ का एक टाइप का या तो एटम है या एक टाइप का इसमें मॉलिक्यूल है. आप सिल्वर को कह सकते हैं ये है
एलिमेंट। आप गोल्ड को कह सकते हैं ये भी क्या है, एलिमेंट। बट कंपाउंड्स क्या होता है, इसमें एक से ज्यादा टाइप के चीज मिले होते हैं। जैसे H2, ये कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम मिले हैं। CO2 ये क्या है, इसमें कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन का दो एटम मिला है। CO3 इसमें मोर देन वन थ्री एलिमेंट्स मिले हुए हैं, इसमें कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन के थ्री एटम्स, कार्बन का एक एटम, कैल्शियम का एक एटम, इस तरीके से ये अलग अलग बने हुए हैं। C6H12O6 ये है ग्लूकोज, ये भी बना हुआ है। इसमें क्या है, इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, कंपाउंड। ये केमिकली कंबाइंड हुए पड़े हैं, ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है। तो इसमें भी मिले हुए होते हैं। अब आप सोच सकते हो कि मिक्सचर और इसमें क्या फर्क है। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं कंबाइन इन फिक्स रेशियो, हेयर एलिमेंट्स, हेयर मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, हेयर एटम्स विल आर कंबाइंड इन फिक्स रेशियो, आर कंबाइंड इन फिक्स रेशियो। इनकी रेशियो जो होती है वो फिक्स्ड होती है और फिक्स रेशियो में ही कंबाइंड होता है। जबकि मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर में क्या होता है कि ये फिक्स रेशियो में कंबाइंड नहीं होता। मिक्सचर एक जो होती है वो इस तरह की प्रोसेस होती है जो कि सिर्फ फिजिकल मेथड से हम मिला देते हैं। यहाँ पे बात करते हैं मिक्सचर की। टू और मोर टाइप ऑफ आइटम्स, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ आइटम, टू और मोर टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, व्हिच इज मिक्स्ड टुगेदर बाय फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज मिक्स्ड बाय केमिक फिजिकल प्रोसेस। जैसे एग्जांपल हम कहें कि फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, फिजिकली यू कैन मिक्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, दैट इज ए फिजिकल प्रोसेस इन विच वन कैन मिक्स वन विथ अनदर। सो ये है हमारा फिजिकल प्रोसेस से कंबाइन किया हुआ दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, टू और मोर देन टू सब्सटेंस विच कंबाइन टुगेदर दे आर फॉर्मिंग मिक्सचर। सो मिक्सचर आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड होमोजीनियस, अनदर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड अनदर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या है, इसमें क्या है कि सॉल्यूट, इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट होता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट आर सेम एवरीवेयर इन द सॉल्यूशन, राइट। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसे आप शुगर को पानी में बढ़िया से घुला दें तो जो ऊपर का लेयर पे जितना वो मीठा होगा, जितना स्वीटनेस होगी, उतना ही बॉटम में भी होगा पूरी तरह से अगर शुगर घुल गया है तो ये होमोजीनियस मिक्सचर मिला है। यानी कॉन्सेंट्रेशन जितना जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। दो चीजें इसमें वर्ड में डिस्कस किया हुआ है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। आपको पता है क्या होता है, सॉल्वेंट वो होता है, जैसे शुगर और वाटर कहें तो शुगर जो है वो सॉल्यूट है जो घुल जाता है, और सॉल्वेंट है जिसमें घुलता है। तो सॉल्वेंट होता है द
solvent is the material in which solute is dissolved, that is called solvent. और solute होता है जो dissolve होता है, और दोनों को मिला के क्या कहते हैं? Solution. तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा. तो इसमें हेट्रोजीनियस में क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन हेट्रोजीनियस में होता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज नॉट सेम एवरीवेयर, नॉट सेम इज नॉट सेम एवरीवेयर, एवरीवेयर means different at different place, you know. So that is called, for example, sand and water. Sand and water concentration at the bottom level will be more and concentration at the top level will be less. So sand and water like this, this is a called mixture. Or even you can say grain, two type of different grains can mix together, mixture of two type of wheat and rice, mixture of wheat and rice together, that can be a mixture, you know, mixture of two different type of things which are not combined in fixed ratio. Mixture can be combined in any ratio, even it is homogeneous or it is heterogeneous, but their combination can have any ratio. It can be combined in any ratio. Mixture can be combined, mixture can be made, can be made by any combination, any ratio of combination, right? तो any ratio of combination हो सकता है. इसमें कोई fix नहीं है कि ऐसा ही होगा और इतना ही मिला होगा. अलग अलग तरीके का मिक्सचर हो सकता है. किसी का, अगर कोई चाय में एक चम्मच चीनी पीता है, कोई दो चम्मच पीता है, कोई चार चम्मच पीता है, डिपेंड करता है कि कौन कितना मीठा पीता है, ठीक है. तो पानी में किसी भी रेशियो में शुगर का जो है वो कंसंट्रेशन हो सकता है, वो किसी भी रेशियो में कंबाइन हो सकती है. लेकिन अगर मैं बहुत बात करूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन वाटर के लिए, तो हमेशा ही ये हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम के साथ कंबाइन करेंगे और उनकी रेशियो जो होगी 1:8 की होगी. इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता, इससे कम भी नहीं हो सकता. कम होगा तो कंबाइंड होंगे नहीं, ज्यादा होगा तो भी कंबाइंड उतनी ही का होगा. जैसे एक आदमी, आप खाना खाते हैं, आप सपोज कीजिए कि चार पूड़ी खाते हैं, और आपके जब गए हैं कहीं बारात शादी और किसी भोज में, वहां बहुत सारा खाना रखा होता है, तो क्या आप 400 पूड़ी खा लेते हैं? नहीं ना, आपकी जितनी एबिलिटी है उतनी ही खाते हैं. उसी तरह से जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होगा, तब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कम्बिनेशन होगा 1:18 के रूप में ही होगा. एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, उसी प्रोपोर्शन के रूप में कंबाइंड होगा. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है तो बहुत उनकी रेशियो कम्बिनेशन की कुछ अलग होगी. जबकि यहाँ पे अगर चीनी ज्यादा है तो लोग ज्यादा मीठा पी सकते हैं, ठीक है. तो मिक्सचर में कोई रेशियो का फिक्स नहीं होता, और कंपाउंड में केमिकली कंपाइंड होता है, उसमें रेशियो फिक्स होती है कम्बिनेशन की, इसमें रेशियो फिक्स नहीं होती. होमोजेनियस क्या है? होमोजेनियस का मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से मिला हुआ, ताकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थ्रू आउट सेम रहे. जैसे वाटर और मिल्क का हमने कहा कि वाटर और मिल्क का कम्बिनेशन हो सकता है, वो होमोजेनियस हो सकता है. शुगर और वाटर का, वो भी होमोजेनियस हो सकता है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शुगर एंड वाटर, फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर, राइट, वाटर, राइट. और यू यू कैन से मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, दिस इज होमोजेनियस. होमोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सिंग कैन बी पॉसिबल इन दिस कॉम्बिनेशन. सो इस तरीके से मिक्सचर सब्सटेंस के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में हमने सीखा. अब कंपाउंड के बारे में क्या है कि हमने जैसे कहा कि केमिकली कंपाउंड कंबाइंड होते हैं. इसमें भी दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो फर्दर एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड, एलिमेंट्स एलिमेंट्स फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स. वन इज कॉल्ड मेटल, मेटल्स. सेकेंड इज कॉल्ड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स. एंड थर्ड इज कॉल्ड मेटलॉइड्स,
third is called metalloids. Metalloids, right? So what are these, and how, what are the bases in which they can be classified? Metals, non-metals, and metalloids. These are the three different type of elements. Metals, what are the characteristics of metals? Metals are usually solid. The characteristics I would like to write here, their characteristics are usually solid. Metals are, except mercury, which is a liquid at room temperature. Except mercury, which are liquid at room temperature. So usually solids, they are good conductor of heat and electricity, right? Good conductor of heat and electricity. Has malleability, property of malleability and ductility. Malleability has property of malleability and ductility. Ductility. Malleability क्या होता है और ductility क्या होता है? Malleability होती है कि substance को can be converted into thin sheets. So metal can be beaten and spread in thin sheets. So and ductile is something in which wires can be drawn. The property of material in which wires can be drawn from it. So high density and luster means what? Luster means shining. So have good shining. Luster, that is good shining. High property of luster, that is good shining. So these are the characteristics of metals. For example, some example of metals can be written here, and these are like gold, silver, you know, and you can say tin, gold, silver, tin, platinum, etc. Tin, etc. These are metals. Non-metals are what? What are non-metals? Non-metals are found in all three states. You know, chlorine, bromine, iodine are like this. Bromine is liquid. Chlorine is gas. You know, bromine is liquid. Chlorine is gas. Where is phosphorus? Is solid. So it found in all three states. Three estates. Like bromine is liquid, oxygen, chlorine, right? Oxygen, chlorine, etc. are gases. Sulfur is solid. So these are some examples where we can say that they found in all these three states. These are poor conductor of heat and poor conductor of electricity, except graphite. Electricity, except graphite. It is a good conductor of electricity, right? And they have no luster. Example I have given here.
This is chlorine, chlorine, bromine, iodine, chlorine, bromine, iodine, oxygen, etc. These are all non-metals, you know. So it has no malleability, no ductility, and it has less density, right? Now, no malleability, no ductility, less density. So metals are, non-metals are something which is, has this kind of property. Metalloids, it possesses both the type of property. It possesses both, properties of metal and non-metal, metals and non-metals. Metals and non-metals. For example, arsenic and antimony and bismuth. Bismuth, etc. These are metalloids. So these are the three different type of elements which is exist in nature, and we can classify them. Further, compounds can be, as we have discussed, the compounds can have also two category. So compounds is what? Compounds can be also classified in two ways. One is organic compound, another is inorganic compound. Right? Compounds, what is the difference between these two? So organic compounds are the compounds which contains carbons which combine with, or which contain with, you can write, which contain carbon with some other elements which combine, it will be a better word, which combine, compounds which combine, which form by combination of carbon with some other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, you know, and halogen. Halogen means chlorine, bromine, iodine, etc. Chlorine, bromine, iodine, ये सब जो होते हैं इनको हम कहते हैं halogen. तो इन सब की combination से बनता है organic compound. Inorganic compound are made of the compound which is made of by combination of compound which is made by combination of any two elements. These are called inorganic compounds. So organic compounds and inorganic compounds, ये जो दो type के compound है, इनके बारे में भी आप समझ गए कि क्या क्या होते हैं. Organic compounds में carbon must है, इसमें carbon must नहीं है. ये कोई भी दो compound हो सकते हैं, उसको हम inorganic compound कहते हैं, right? जैसे NaCl, ये inorganic compound है, right ना? लेकिन मीथेन CH4 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट ना? सो इस तरीके का हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल CH4 ये है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. यहाँ NaCl ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, CaO ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना?
कैल्शियम ऑक्साइड, ये ठीक है, CaCO3, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब कंपाउंड इनऑर्गेनिक है, एयर C2H2 ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक दिस C6H12O6 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, इस तरीके का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो मैटर है उसकी क्लासिफिकेशन हमने इसमें सीखा, और मैटर कितने तरह के होते हैं ये बात हमने सीख लिया कि मैटर में कंपाउंड्स जो होता है, और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड वो होता है जो कि केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ, विच इज मेड ऑफ बाई केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, राइट। तो ये होता है कंपाउंड। आई थिंक आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, और कितने तरह के मैटर होते हैं ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट की क्या है, कंपाउंड की क्या है। तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी जो मैटर है वो क्लासिफाइड कर दिया गया है, और इसके बारे में डिटेल स्टडी वन बाय वन करके आने वाले समय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी बहुत डिटेल स्टडी होगी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है। सो आई होप कि आप इन सब चीजों को धीरे धीरे सीख पाएंगे, और फ्यूचर में आपके पास एक सॉलिड नॉलेज डेवलप हो पाएगी, बट फिलहाल अभी के लेवल पे इतनी ही नॉलेज काफी है। सो अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, और उस क्लास में हम फिर इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मजे से रहिए, खूब आराम से पढ़िए, और जो भी आप दिक्कत हो उसे पूछिए अगली क्लास में, ठीक है। और हमारी चैनल को भी वॉच करते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।